अभिनंदन है जी सभी का कृषि अवार्ड चैनल पर। आज हम आपको लाइट ब्लू कलर के सूट पर फ्लावर पत्तियों का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। जैसे हम वाइट और ग्रीन कलर लेके पत्तियों की शेडिंग कर रहे हैं, वैसे ही आपने इसी तरह से शेडिंग करनी है पत्तियों की। एक साइड वाइट लगाना है और दूसरी साइड ग्रीन, और ग्रीन वाली साइड जो है वो आप बाहर वाली साइड आप वाइट लगा सकते हैं, और जो वाइट वाली साइड है उसके आप बाहर वाली साइड हल्का सा ग्रीन लगा सकते हैं, और इसी तरह से पत्तियां बना सकते हैं। और फूल भी हम आपको जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं कि हमने पहले डार्क कलर लिया और उसके ऊपर से लाइट कलर लगा के, यानी कि वाइट कलर लगा के हमने उसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है, और बीच में जो है थोड़ा सा डार्क कलर ही लगाना है क्योंकि वो फूल का बीच वाला पार्ट होगा। और इसी तरह से पत्तियों के भी हमने बाहर वाली साइड वाइट और अंदर वाली साइड डार्क, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, जैसे हम पिंक कलर लगा रहे हैं इसी तरह से हमने सारी पत्तियां कंप्लीट कर लेनी है। बाहर वाली साइड वाइट और अंदर वाली साइड पिंक लगाकर और उसकी मिक्सिंग कर देनी है, और दूसरी पत्तियां भी हम इसी तरह से करेंगे। और इसके बाद जब सारी पत्तियां बन जाएंगी तो हम इसके ऊपर 000 ब्रश से आउटलाइन कर देंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है फूल का वो उभर के आ सके और अच्छा लग सके। इस तरह से आप जो नए हैं सीखने वाले वो इस तरह से कर सकते हैं पेंटिंग। और सारी पत्तियां पहले पिंक से बनाकर और उसके ऊपर से वाइट बाहर वाली साइड लगाकर उसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दें और सारी पत्तियां इसी तरह से कंप्लीट कर लें। और फिर उसके बाद जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला पार्ट, वो हम बनाएंगे। वो भी हम नीचे वाली साइड है जो वो डार्क कलर ही रखेंगे और ऊपर वाली साइड हम वाइट कलर लगा के उसकी हल्की शेडिंग कर देंगे ताकि वो पार्ट अलग दिख सके ऊपर से है जो। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम उसी तरह से बनाएंगे और हल्की सी शेडिंग कर देंगे। और अगर आप इससे ज़्यादा पार्ट बनाना चाहें तो इससे ज़्यादा पार्ट भी आप बना सकते हैं। और ये सिंगल भी, ये तो सिंगल ही दिखाई दे रहा है, जैसे अब हमने आपको कलर वाइट लगा कर दिखाया है, इस तरह से आप फूल के एक से ज़्यादा पार्ट भी बना सकते हैं और किसी और शेप में भी बना सकते हैं। और बीच वाला पार्ट भी हम इसी तरह से ब्रश से बना देंगे और बीच में जो है बूर भर देंगे, और जो पत्तियों की बाहर वाली साइड है वाइट लगाया था हमने उसके ऊपर से हम 000 से आउटलाइन कर देंगे वाइट की, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है फूल का वो उससे भी पहले से भी अच्छा उभर के आए और अच्छा दिखाई दे सके। और इसी तरह से हम ऊपर वाली साइड भी आउटलाइन कर देंगे पत्ती की बाहर वाली साइड, ऊपर वाली पत्ती के, और इस तरह से हमारा सारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। Like I'm on Mars, scorching hot. Life can be hard, but it's what we do. Take it to the top. Yeah.